हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम अपने टीम रॉकेट के लीडर को हराए थे, उसके जैक्रम और म्यूटी से बैटल किए थे अपने और डिफीट किए थे। तो उसके बाद अपने आगे का जो रास्ता है वो है ये रास्ता, यहाँ से अपने को पूरा यहाँ पे आना है। यहाँ पे बहुत पहले आ चुके अपन ये मैप पे, तो यहीं पे आने पर ये मैप में अपना आगे का रास्ता खुला होगा, अपन वहाँ पे जाने वाले। जो आगे का रास्ता खुला है वो खुला है इधर पे से। नॉर्मल लास्ट टाइम नीचे गए थे, पर इस बार अपने को ऊपर से जाना है, अपना रास्ता खुला है यहाँ से। पुलिस जैसे देखते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर क्या बोल रहे हो सर तुम? सर खाली यही बोलते हैं हमेशा कि मैं सर्वेलेंस करता हूँ सर, और कुछ बोलते नहीं है। ओ वाओ, न्यू मैप, स्नो मैप आ चुका है अपने पास, बहुत सही। और मेरे को सामने टीएम दिख चुका है स्नो मैप पे। पोकेमॉन कौन कौन से? ओके, डार्क पोकेमॉन है, अच्छा पोकेमॉन है ये सनस्नाइल स्लैश पोकेमॉन, स्नोरेंट भी ठीक ठाक ही पोकेमॉन। और कौन से पोकेमॉन है? ओके, पेनिसवाइन ये भी अच्छा पोकेमॉन है। और कोई है? पेनिसवाइन और कोई, ये स्नीजल मिल चुका है, पेनिसवाइन वापस आ चुका है, नहीं। ओके, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तीन ही पोकेमॉन है इसके अंदर, इस रीजन में बोल सकते हैं। बाकी का देखेंगे आगे जा जाके, कुछ मिल गया तो मिल गया। सुपर पॉइजन मिल चुका है अपने को टीएम में से, अच्छा अच्छा दिख रहा है, सफ़ेद सफ़ेद मस्त दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते अपन फटाफट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तुम लोग। बट ओके, मेरे को ये मिल चुकी सिंथिया, मिल चुकी है सिंथिया, क्या तुम हो ये? मैं तो बहुत लक्की हूँ कि मुझे सिंथिया मिल चुका है। मैंने थोड़े दिन पहले लैंड से भी बैटल किया था, वो बोले कि इंटरेस्टिंग, पर मैं बिजी हूँ, मैं यहाँ पे लेजेंडरी पोकेमॉन ओहो को देखने आई हूँ, वो यहाँ पे से जाने वाला है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसी बोलता हुआ, ये तो मेरा बहुत लक्की दिन होगा कि मैं तुमसे भी मिल लूँ और लेजेंडरी पोकेमॉन ओहो से भी मिल लूँ। फिर ये सब लोग को कुछ ना कुछ फील हो रहा है, वो गार 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 कर रहा है, दिस वॉज समथिंग देयर व्हाट डी गार्चोम फील। ओ भाई, ओ उड़ के जा रही है, ओ के पीछे का रेनबो नहीं दिख रहा है मेरे को, पर यहाँ पे देखो भाई अपनी ओ उड़ के जा रही है, और अपन तीनों लोग यहाँ पे खड़े के लाइन से देख रहे हैं उसको। तो आई एम स्पीचलेस, लेजेंडरी पोकेमॉन ओ का अपन ने देख लिए, वाह। घुसी बोल रहा है कि बहुत लक्की दिन है यहाँ पे मेरा, बहुत सही भाई बहुत सही। तो यहाँ पे अपन ने मेरे को देखा ओ से बैटल वैटल करेगी सिंथिया, फिर अपने को मौका मिलेगा, पर ऐसा मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। खाली लोग एक दोनों मिल के खाली सिंथिया को देखे, सिंथिया से बैटल होगी अपनी आगे जाके मेरी होपफुली, क्योंकि वो बोल के जा रही है कि अगली बार मिलेंगे तो अपन बैटल होगी। तो भाई यहाँ पे अपने को मस्त वाला एक छोटा सा कट सीन देखने मिल गया, कट सीन ही बोल सकते हैं इस गेम का, ऐसा ही कट सीन अच्छा था, मज़ा ही देख के अच्छा था। ठीक है, कंटिन्यू जर्नी, पोकी बॉल मिला झाड़ी के पीछे छुपा था, जिसके अंदर एम्पोलियन पोकेमॉन था, पर मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वो कमज़ोर था, तो भाई वो ऐसे ही मर गया। यहाँ पे मेमोस्वाइन खड़ा है, मस्त वाला पोकेमॉन, अबामस नो मेमोस्वाइन कौन है फिर? अच्छा, वो हाथी थी पीछे वाली, अबामस में खड़ा है नीचे। यहाँ पे एक और टीएम मिलने वाला है मेरे हिसाब से, क्या मिला है? आइस हिल मिला है। ओके, आइस हिल को अपन जेब में रख लेंगे। नीचे रास्ता है? नहीं, नीचे रास्ता ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर जाएंगे तो नीचे नहीं है। तो यूकी सिटी, ओके नाइस, यूकी सिटी में आ चुके हैं अपन, यहाँ पे अच्छी सिटी है यूकी सिटी। यूकी सिटी स्नो सिटी, ये क्या है? पोकेमॉन सेंटर, एंटर करते हैं। ओ कूदा, ओ भाई गैरी नहीं मिला भाई, बंदा फिर से मिला, बैटल होने वाली है। ये बोल रहे तुम हमेशा मेरे रास्ते में आ जाते हो, ये बोलते कि हाँ तुम अभी भी बेशरम, मतलब अजीब गुस्से से बात करते हो। बोलते कि मैंने यहाँ पे जिम से चैलेंज करने आया था, मैं जीत चुका हूँ। बोलते चलो ठीक है, चैलेंज करके आगे जीत गए थे, तो आप मेरे को भी चैलेंज करके बताओ। बोले ठीक है, इसी बारे से मेरे को भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कौन सी न्यू पोकेमॉन है। तो यहाँ पे उसने निकाला ग्लिस्लियोर, और अपन निकालने वाले हैं यहाँ पे अपना पोकेमॉन ग्रीनिंजा। ठीक है, ग्रीनिंजा ये उसका डरावना अटैक जिसमें लोग अपन टेढ़ा मेढ़ा करते थे। कितना डैमेज? ओके, हाफ डैमेज पड़ा है भाई। इसने क्या सिग्नल फेंक के मारा मेरे को? क्या किया उसने? सिग्नल भी मार रहा था मेरे को। इसको डिफीट कर दिया, इसके फर्स्ट पोकेमॉन ग्लिस्लेरिन को चेंज पोकेमॉन करना है, नहीं पोकेमॉन चेंज नहीं करना है। न्यूडोकिंग आ चुका है, न्यूडोकिंग को अपन वाटर पल्स मारेंगे। ओ भाई थोड़ा सा और पड़ता तो मस्त वाला काम तमाम होता था, कोई नहीं दो बार मारना पड़ा इसके। न्यूडोकिंग को भी डिफीट कर दिया अपन ने आराम से, समझो। नेक्स्ट पोकेमॉन इसका कौन सा आएगा अभी? मेरा ग्रिंजा अकेला खड़ा, ओके लेवल 53 भी हो चुका है, टॉल टेरा आ चुका है। तो यहाँ पे अपन डिसएडवांटेज में है थोड़े से, पर यहाँ पे अपन डरावना अटैक यूज़ करेंगे। ओ भाई अर्थक्वेक यूज़ किया बंदे ने, नोच खाए मेरे को, दांत काटेगा अपन इसको जब तक। इसको भाई इसकी पत्ती को दांत काट लिए, 2049 सीपी एक्सपी मिल गए अपने को इससे। नेक्स्ट पोकेमॉन का आ चुका है इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक बस 53 है, और यहाँ क्या अपना वाटर पोकेमॉन को हरा पाएगा ये डरावना अटैक यूज़ करके, जिसमें बाइट। ओके, ग्रीन निंजा का काम तमाम हो चुका है, ग्रीन निंजा हो चुका है अपना फेंट। अपन बाहर निकाल लेते हैं अपनी सरैप्टर चिड़िया को, जो कि अपनी सरप्टर बनी नहीं है, स्टार भी है ये भी, खाली बाल खड़े हुए आगे से झुक के एक आँख छुपाई नहीं है, अभी वोल्यूशन फॉर्म उसका आना बाकी है अभी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बस है, अपन है बहुत बुरे साइड में है, पर अपन फिर भी अपन बुरे साइड में रह के अपना लेवल 61 है, तो कुछ ना कुछ फ़र्क होना ही चाहिए, जैसे कि देखे फ़र्क कुछ ना कुछ फ़र्क होना चाहिए बोला था, और अपन मस्त वाली बैटल भी जीत चुके हैं इधर पर।
अब आ रहा है इसका मैगमार वापस से, इसका फायर है और अपना ये, तो मेरे को मतलब नहीं है, अपन यहाँ पर एंडेवर यूज़ करेंगे और एंडेवर कुछ कर पाया, एंडेवर ने पता नहीं कुछ एंडेवर ने किया भाई अच्छा खासा किया, पर यहाँ पर अपनी चिड़िया का काम तमाम हो चुका है। नेक्स्ट पोकेमॉन अपन निकालेंगे अपना मैगी, तो भाई यहाँ पर अपन मैगी और उसका इवोल्यूशन प्री इवोल्यूशन फॉर्म, भाई गैरी का बच्चा है मेरे पास बोलते हैं ना खतरनाक फुल फॉर्म है उसका, वो यूज़ करेंगे भाई। फायर पोकेमॉन को चटके लगा दिए भाई, जो आग में रहता है जो लावा में रहता है भाई अपन ने उसको भी चटके लगा दिया, इतने स्ट्रॉन्ग है अपन ने, तो अपन ने फाइनली इसको डिफीट किया, बोलता पफेटिक जो हमेशा एनिमेशन में कार्टून में बोलते रहता था इसको हरा दिए, यहाँ से हार के जा रहे हैं। अब अपन चले आते हैं जिम के अंदर बैटल करने के लिए, पर उससे पहले भाई पहले तो मैं जाके मेरी हेल्थ वेल्थ फुल करा हूँ अपनी, क्योंकि बंदे से बैटल किया हूँ भाई, मेरी हेल्थ अच्छी खासी काम हो गई होगी, मेरे तीन पोकेमॉन नॉकआउट पड़े थे यहाँ पर नर्स जॉय बाजू में ही है, फटाफट मेरे पोकेमॉन का हेल्थ को मैं रिस्टोर करवा लेता हूँ और फिर जाता हूँ वापस से गैरी के पास जहाँ से वो बैटल करके आया था वो जिम के अंदर बैटल करने। तो यहाँ पर अपन आ गए वापस से जिम के अंदर बैटल करने, वापस कूद के ना निकले कोई इधर से, आगे रास्ता कुछ नहीं है तो जाना तो जिम में ही है, तो एंटर कर लेते जिम में, कोई खड़ा है गेट पे ही, वेलकम टू यूके जिम, थैंक यू कॉन्वेंट फॉर द बैटल लीडर। ओके ये मेरे को लगा भाई ये लीडर एकदम मुँह पे खड़ी है और पीछे बैटल फील्ड है, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसे ही है। ओ वाह यहाँ पे फिसल रहा हूँ मैं, वाह यहाँ पे देख सकते हो स्लाइड कर रहा हूँ मैं इधर पे, वो काले काले गड्ढे के इधर पे स्लाइड के बीच में, देखना पड़ेगा पजल टाइप का सिस्टम है ये, गड्ढे में गिर गया मैं। ओहो ओके गड्ढे में गिर गया तो ऐसा लगेगा रिस्टार्ट हो रहा है, अपन स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाएंगे। यहाँ पे अच्छा छोटा सा लोग ने पजल टाइप का दिए, तो अपन ये पजल सॉल्व करके अपने को ऊपर जाना है जिम लीडर के पास, देख सकते हो यहाँ पे अपन आ गए वैसे पूरा सॉल्व करके जिम लीडर के पास जाना है, पर मेरे को यहाँ पे सबसे बैटल करना है चारों से। तो इससे हेलो चैलेंजर गेट रेडी, हाँ भाई मैं तो रेडी हूँ, और भाई मैं तुम लोग को बताया बैटल वैटल क्या दिखाऊँ तुम लोग को, तो यही मस्त वाला डिफीट कर दिया उसको भी मैंने, आगे बढ़ते जैसे अपन इसको डिफीट कर दिए, बस अपने को गड्ढे में नहीं गिरने खतरनाक वाले। ये देखो आ गए इधर पे थर्ड के पास, चार को डिफीट करने का जिम बैठ आने, देख सकते हो ऊपर का छोटा छोटा लीडर का पैर दिख रहा होगा अपने को, तो इसको भी डिफीट करने गए अपन, इसको भी डिफीट कर दे। क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो डिफीट करने? भाई मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ डिफीट करने, हज़ार हज़ार मेरे को सीपी मिल गई, सीपी एक्सपी बोलेंगे ना उसको, सीपी थोड़ी बोलेंगे कि सीपी बोलेंगे, हेल्थ बोलूँगा मैं तो, एचपी बोलेंगे एचपी भी, पर जो भी था भाई एक्सपी बढ़ गया, एक्सपीरियंस बोलेंगे जो भी था भाई, जो भी था एक्सपी एक्सपी बोलूँगा, एक्सपी बढ़ गया अपना मस्त वाला। अब ये लास्ट कोने में खड़ी है, इससे बैटल करना है, इससे बैटल करने के लिए ये रहा शॉर्टकट पजल टाइप का मस्त स्लाइड करते करते। डिस्पाइट कोल्ड मेरे को हॉट बैटल पसंद, क्या फायर टाइप यूज़ फायर टाइप यूज़ करेगी? नहीं नहीं क्या स्नो टाइप यूज़ कर दिए, इसको भी हमने डिफीट कर दिया। अब यहाँ पे बचा है डिफीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम लीडर, तो अब अपने जिम लीडर को भी डिफीट कर देंगे, पर वहाँ पे जाने का पजल समझ नहीं रहा मेरे को। ओके रिस्टार्ट कर लेते हैं अपन, वापस आ गए पीछे। अब यहाँ से मेरे को पता है यहाँ से सिंपल है लीडर के पास जाने, यहाँ पे आया खरबूड़ी जमीन में पैर रखा, फिसल के इधर आया, ऊपर हुआ साइड हुआ, इसमें लड़ा इसमें लड़ा इसमें लड़ा साइड, और देख सकते हैं मस्त वाला पहुँच गया। अब चालू करते हैं अपनी जिम बैटल को स्टार्ट। लियो नाम है इसका, लियो वेलकम टू द जिम, मैं यहाँ पे बैच लेने आया हूँ मेरा, चलें एक्सेप्ट कर लो। वो बोला ठीक है मैं चलें एक्सेप्ट कर लूँगा, ये बैटल 6v6 ही बैटल होने वाली है और ये बैटल सिंगल सिंगल होगी, यहाँ पे डबल पोकेमॉन की नहीं होगी, सिंगल सिंगल बैटल होगी और ऑल आउट पोकेमॉन 6 पोकेमॉन की। तो चलो अपनी लीडर लियो से बैटल अपनी करते हैं स्टार्ट। दूर से टीम रॉक के कपड़े में दिख रहा है, पर कोई नहीं, इसने भाई मेगा अमोसोन भेजा है, मेगा तो नहीं मेमोसोन ही नाम है, मेरे को लगा स्टार्टिंग में एम है, तो मेरे लगा ये एम नाम का अमोसोन कौन सा पोकेमॉन है, पर ये अपना मेमोसोन पोकेमॉन है, इसको अपन टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे इधर पे, और टेढ़ा मेढ़ा करने से क्या हुआ हाफ हेल्थ कम हो गई मेमोसोन की, और इसने अपने को छींक मारा है आइस ब्लेजर टाइप का जो भी होता है, और उसने हेल्थ भी फुल कर लिया था, तो इसको अपन ने दो बार टेढ़ा मेढ़ा किया मेमोसोन को, और मेमोसोन को दो बार टेढ़ा करना करने से मेमोसोन का काम हो चुका है तमाम। ये पुराने ज़माने के हाथी वापस से एक्सटिंग हो गए, इसको मैंने डिफीट कर दिया अपने ग्रीनिंजा से। नेक्स्ट पोकेमॉन इसका देखते कौन सा आने वाला है। ओके भाई इसका मेगा ये दिख रहा है ना एम स्पी देकर के अबामस मो, तो मेगा अबामस ना आ चुका है, खतरनाक आइज और ग्रास टाइप। यहाँ पे मेरे फायर टाइप पोकेमॉन बहुत मस्त होंगे, पर मैं सोच रहा हूँ कि देखते अपना ग्रीनिंजा इधर पर कितना अच्छा अटैक कर सकता है, अपना ग्रीनिंजा यहाँ पर कितनी देर टिक पाएगा। तो यहाँ पर भी इस पर वही अटैक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे वाटर अटैक टाइप आइस पे इतना कुछ मज़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं बाइट वाइट यूज़ कर सकता हूँ, एक्सट्रेटिव यूज़ कर सकता हूँ। बबल का यहाँ पे देखो यूज़ किया, डैमेज देखते कितना मिलेगा, थोड़ा सा डैमेज मिला तो इसके वजह से मैं यहाँ पे बाइट यूज़ करूँगा या फिर एक्सटिक यूज़ करूँगा, पर यहाँ पे भाई मेरे ग्रीन जगह काम हो चुका है इधर पे तमाम। तो अब आएगा इधर पे इन्फानेप, इन्फानेप इसलिए क्योंकि इन्फानेप का लेवल कम है और यहाँ पे डिफीट करने के लोगों को बहुत मस्त वाले अपने को वो मिलता है, और यहाँ पे सामने अपने ग्रास टाइप पोकेमॉन है और आइस टाइप भी है, तो यहाँ पे अपना फायर पोकेमॉन बहुत मस्त काम करने वाला है।
और जैसे कि कर भी दिया, 3000 सीपी भी जमा कर लिया डिफीट करके फर्स्ट पोकेमोन, सेकंड पोकेमोन को। थर्ड पोकेमोन अपनी बर्फीली ईवी आ चुकी है ग्लेशियन, तो अपनी ईवी को भी डिफीट कर देंगे। मेरे को लगता है इतने बड़े बड़े पोकेमोन के बीच में उसको ईवी को रखना चाहिए। ओह सुपर इफेक्टिव पर इतना कम डैमेज, ओके ओके। अपना लेवल बहुत कम है, अपना लेवल 11 पीछे अपन उससे चल रहे, पर कोई नहीं, ओके 11 पीछे का कोई नहीं का असर दिख चुका है। मेरा इन्फर्नेम हो चुका है डिफीट, ठीक है। स्टार भी चिड़िया निकालेंगे अपन, अपनी उड़ती चिड़िया। ये भी बोलते ना टाइप एडवांस के हिसाब से मैं बहुत गलत पोकेमोन चूज़ कर रहा हूँ, पर मैं उसे जानबूझ के कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इनका लेवल अच्छे से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ग्लेशियन का काम तमाम कर दिया। स्टारविया ने, स्टारविया ग्लेशियन फेंटेड 2000 XP लीडोलियो यूज, कौन सा पोकेमोन यूज़ करने जाता था ये, क्या निकला क्या? इसके पास 3 पोकेमोन बचे, ओके। इसने ये वीवाइल निकाले, ओके वीवाइल भी ठीक ठाक ही पोकेमोन है। आईसी भी यूज़ किया उसने, और मेरी चिड़िया जिंदा रहेगा, सुपर इफेक्टिव पड़ता भाई। मेरे परों को लोग ने जमा दिए, एंडेवर मारा अपन ने, टेक डाउन यूज़ करेंगे अभी इस पर, पर मैं उसके मेटल क्लॉ मेरे पैरों को काट दिए। तो अपने यहाँ पे चिड़िया का भी काम तमाम। नेक्स्ट पोकेमोन अपन निकालें अपना आयरन। रायन बेस्ट पोकेमोन है, अभी तक मैं जितने भी मेरे पोकेमोन कैप्चर किया हूँ यूज़ किया हूँ उसके अंदर से भाई मेरे को रायन बेस्ट लगा। क्या खतरनाक खतरनाक डरावना अटैक है भाई। लास्ट टाइम मेरे रायगॉन के एक अटैक ने 2 लेजेंडरी पोकेमोन को एक साथ हराया था। तुमको वीडियो देखते हो पता होगा, नहीं देखते होगे तो भाई जाके देख लो। 2 लेजेंडरी पोकेमोन को खतरनाक को मैंने एक ही बार में हराया था मेरे राइडन के एक ही अटैक से। ऐसा नहीं कि एक अटैक दो बार, ना एक ही अटैक, डबल टीम चली थी, सारे पोकेमोन मेरे मर चुके थे, राइडन जिंदा था और सामने 2 लेजेंडरी पोकेमोन खड़े थे। एक अटैक किया, दोनों लेजेंडरी पोकेमोन खाम तमाम एक ही बार में। वैसे राइडन यहाँ पे भी कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो सेंसलेस अपने सामने, सेंसू का बर्फ वाला भाई है ये, इसको भी अपन मसाला यूज़ करेंगे। वो आए क्या रॉक थ्रो, पत्थर फेंक के मारा, रॉक थ्रो नाम नहीं उसका, पर जो भी है करता तो वही है, वहाँ पत्थर फेंक के मारता है, डिफीट कर दिए। इसका लास्ट पोकेमोन मेरे सबसे 9 टेल्स आ रहे हैं, ओके हॉर्न ड्रिल यूज़ करेंगे। उसने ग्रज यूज़ कर लिया भाई, मेरे से दुश्मनी रख ली 9 टेल्स ने, 9 टेल्स को मेरे से दुश्मनी हो चुकी है क्योंकि मैंने उसके 200 पोकेमोन को हरा चुका हूँ। राइडन हॉर्न ड्रिल यूज़ करेगा इधर पे, और अटैक भी अपना मिस हो चुका है, बहुत बुरी हालत हुई अपनी। इट स्टार्टेड टू हेल, हेल तो हो ही रहा था, राइडन का अटैक वापस मिस हो चुका है, राइडन फेंड, ओके राइडन का काम तमाम कर दिया 9 टेल ने। अब यहाँ पे देख सकते हो मैगी बचा है और यहाँ पे ये बचा है, मैगी बचा है और अपने ड्रगेले बचा है अपना, हाँ सीहॉर्स बोल सकते हैं उसको अपन, सीहॉर्स पोकेमोन अपना, जो कि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन के अंदर यही वाला पोकेमोन है सीहॉर्स। तो देखते हैं सीहॉर्स कब तक टिकेगा, क्या टिकेगा, क्या कर पाएगा। 9 टेल्स का बहुत बुरा हालत कर दिया, पॉइजन दे दिया इसको, तो कुछ नहीं करूँगा तो वो भी ऐसे मर जाएगा इसका, ओके। पर देखते हैं अपन फुल रिस्टोर, ओ भाई पापी पोकेमोन फुल रिस्टोर यूज़ कर दिया, पर अपन ने हाफ उसका ऐसे काम खत्म कर दिया, पॉइजन इफेक्ट भी हट गया था उस पर कोई नहीं। अपन ने मसाला डिफीट कर दिए और यहाँ पे इसके 9 टेल्स को भी डिफीट कर दिया, होपफुली इसका लास्ट पोकेमोन था ये क्या, ओके डिफीट कर दिए प्लेयर लियो को, अपन ने डिफीट कर दिया, बैटल वॉस मैग्निफिशन बोला उसने, और अपने को 6000 रुपये भी दिया। और हमेशा के जैसे वही बात है कि मैं लीडर हूँ, मेरे को हरा दिए तो उसकी खुशी में तुमको जिम बैच दूंगा। तो यहाँ पर अपने को जिम बैच मिल चुका है, और इसने अपने को एक ब्लिजर्ड TM भी दिया है जो कि मेरे को स्नो पोकेमोन में काम आएगा, अच्छा खासा ब्लिजर्ड है, सैंड स्टॉर्म के जैसे काम करेगा मेरे सबसे ब्लिजर्ड। उसको अपन ने डिफीट कर दिया लियो को अमेजिंग बैटल के। अब ये फिसलती हुई जिम से अपन फिसल के वापस बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने शॉर्टकट क्या पता है, गड्ढे में गिर जाओ, सीधा गेट पे फेंकेंगे लोग। तो आराम से अपन यहाँ से बाहर निकल गए, मस्त वाली अपनी अच्छी बैटल गई थी, लेजेंडरी पोकेमोन थे अच्छे खासे, लेजेंडरी नहीं थे पर अच्छे पोकेमोन थे, मेगा इवोल्यूशन वाले फॉर्म पोकेमोन थे इसके पास। तो मेरे हिसाब से अपने सारे बैच ये हो चुके या फिर मेरा एक बैच लास्ट का बचा होगा, तो जो भी होगा वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।